हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम, कि रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए आप किस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो माय डियर, रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए फर्स्ट हम उसका पहले रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं और फिर उस रिकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक क्वेश्चन लिखा है, इंटीजर रिकर्सिव इंटीजर एन, इफ़ एन इक्वल्स टू वन देन रिटर्न वन, एल्स रिटर्न रिकर्सिव एन माइनस वन प्लस रिकर्सिव एन माइनस वन। इसका आंसर क्या है, ये ऑप्शंस दिए गए। सो देखिए, इसका रिकरेंस रिलेशन आपको बनाना है। तो ये रिकर्सिव फंक्शन है, इसको अज्यूम कर लीजिए इट इज टी एन, और ये कंडीशन ये चला तो इसके लिए वन यूनिट टाइम, और अगर ये ट्रू है तो वन यूनिट टाइम इसके लिए, बट इफ इट इज फॉल्स तो आप यहाँ आ जाएंगे। और रिकर्सिव इंटीजर एन के लिए आपने टी एन अज्यूम किया है तो इसके लिए क्या होगा, टी ऑफ एन माइनस वन, और इसके लिए क्या होगा, टी ऑफ एन माइनस वन प्लस, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कांस्टेंट प्लस वन उसके लिए। सो देखिए, रिकरेंस रिलेशन क्या बना, इफ एन इक्वल्स टू वन, अगर एन वन हुआ तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, एल्स पार्ट में आप नहीं आएंगे, टोटल वन प्लस वन इज टू और टू इज अ कांस्टेंट, सो इसके लिए वन। बट इफ इट इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो वन, ये फॉल्स कब होगा, इफ एन इज ग्रेटर देन वन। सो वन ये चला बट रिटर्न नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये फॉल्स है तो ये अंदर नहीं जाएगा, बट ये चल गया वन प्लस इसके लिए और प्लस एल्स पार्ट, एल्स पार्ट के लिए क्या है, टू टी एन माइनस वन प्लस वन। फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए, सो रिमूव इट। सो ये रिकरेंस रिलेशन आपका आ गया टी एन इक्वल्स टू टू टी एन माइनस वन प्लस वन, और इस रिकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं मास्टर मेथड से। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में ए कितना दिया गया है इसमें टू, और बी कितना है वन, और फंक्शन एफ एन कितना है वन। ये केस ए ग्रेटर देन वन से मैच कर रहा है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होता है एफ एन इंटू ए की पावर एन अपॉन बी। सो ऑर्डर ऑफ एफ एन की जगह क्या है, इट इज़ वन इंटू ए की जगह टू की पावर एन अपॉन वन, सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ टू की पावर एन, सो आंसर इज टी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया है, इंटीजर डू समथिंग इंटीजर एन, इफ एन लेस देन इक्वल टू टू देन रिटर्न वन, एल्स रिटर्न डू समथिंग फ्लोर फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन एन प्लस एन। तो चलिए, डू समथिंग इसको एज्यूम कर लेते हैं हम कि इसके लिए टी है और एन ये पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट हुआ वन टाइम्स, ये एग्जीक्यूट हुआ वन टाइम्स, बट अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट में आ जाएगा, एल्स पार्ट में ये डू समथिंग इसको आपने टी लिया था तो फ्लोर का मतलब फ्लोर फंक्शन स्क्वायर रूट प्लस ये एन एक कांस्टेंट एक नंबर इसमें ऐड होगा तो उसके लिए वन यूनिट। तो देखिए, रिकरेंस रिलेशन क्या आ गया, टी एन इक्वल्स टू इफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू टू देन आंसर वन प्लस वन इज टू, वन प्लस वन इज टू, टू इज अ कांस्टेंट सो इट इज वन। इफ एन ग्रेटर देन टू देन आंसर वन इसके लिए प्लस दिस, तो ये वन प्लस वन इज ए कांस्टेंट सो प्लस वन, वन प्लस ये वन प्लस वन इज टू, टू इज ए कांस्टेंट सो दिस वन। सो आपको पता चल गया कि रिकरेंस रिलेशन क्या आया, टी ऑफ, सो माय डियर हम जानते हैं कि रूट एन जब होता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में टू की पावर एम, यार एम इक्वल्स टू लॉग ऑफ एन बेस टू, इसमें रख दीजिएगा टी ऑफ 2 की पावर m इक्वल्स टू टी ऑफ, और ये जो फ्लोर फंक्शन दिए गए हैं इन फ्लोर फंक्शन को आप हटा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो इट इज़ 2 की पावर m बाई टू प्लस वन। जब दोनों का पावर सेम बेस सेम है तो रिकरेंस रिलेशन को हम पावर के टर्म में लिख सकते हैं। नाउ अब इसमें देखिएगा कि a इक्वल्स टू कितना दिया गया है 2, और b इक्वल्स टू सॉरी ए इक्वस टू वन और बी इक्वस टू टू, और फंक्शन एफ एम इक्वस टू और के इक्वस टू जीरो है एंड पी इक्वस टू भी जीरो है। नाउ इसमें मास्टर का कौन सा केस बन रहा है, मास्टर मेथड का केस टू का आई, केस टू का फर्स्ट केस बनेगा बिकॉज ए इक्वस टू बी की पावर के, यस वन इक्वस टू टू की पावर जीरो, वन इक्वस टू वन, और टू का फर्स्ट केस बनना है बिकॉज पी
इज ग्रेटर देन माइनस वन. सो इसका आंसर ये है टी एम इक्वल टू थीटा ऑफ एन टू की पावर लॉग ए बेस बी इंटू लॉग एन की पावर पी प्लस वन. सो रख दीजिए इसमें, जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे थीटा ऑफ एम की पावर लॉग ए इज़ वन बेस टू डॉट लॉग पी प्लस वन इज इट इज़ वन इंटू लॉग वॉट इज एन लॉग एम ही रखते हैं. लॉग वन किसी भी बेस पे क्या होगा माई डियर, जीरो होगा और एम की पावर जीरो से क्या रिजल्ट आ जाएगा, इट इज़ वन. लॉग वन ये टर्म पूरा टर्म क्या है, इट इज़ ज़ीरो. सो एम की पावर जीरो इट इज़ वन. सो आंसर आ गया लॉग ऑफ एम. सर व्हाट इज एम, एम इक्वल्स टू आपने यहाँ से निकाला लॉग एन. सो इसका आंसर आ गया थीटा ऑफ लॉग लॉग एन बेस टू. तो इस क्वेश्चन का आंसर है थीटा ऑफ लॉग लॉग एन बेस टू.